22 कमरों को खुलवाकर तफ्तीश करने की बात को अदालत ने खारिज कर दिया। लेकिन बहुत लोगों के मन में कौतूहल भी रहता है कि ताजमहल में इस तरह के जो कमरे हैं, जो तहखाने के तौर पर दिखते हैं, वहां पर है क्या। बहरहाल ताजमहल को लेकर विवाद की शुरुआत इतिहासकार पीएन ओक की किताब ट्रू स्टोरीज ऑफ ताज से हुई। इस किताब में पीएन ओक ने ताजमहल के शिव मंदिर होने से संबंधित कई दावे पेश किए। ये किताब 1989 में प्रकाशित हुई। इसमें ताजमहल को एक शिव मंदिर और राजपुताना महल बताया गया है। किताब में दावा किया गया है कि शाहजहां ने महल पर कब्जा किया और उसको मकबरे में तब्दील कर दिया। पुरुषोत्तम नागेश ओक एक पत्रकार और लेखक थे। हिंदू विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले पीएन ओक इतिहास के पुनर्लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ताजमहल एक शिव मंदिर, फतेहपुर सीकरी एक हिंदू नगर जैसी कई किताबें लिखी थी। ताजमहल के अलावा ओक ने काबा पर भी अपनी किताबों में उस वक्त सवाल उठाए थे। ओक ने क्रिश्चियनिटी को कृष्ण नीति और वेटिकन सिटी को वाटिका तक बताया था। 70 के दशक में पीएन ओक ने ताजमहल पर एक और किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था द ताजमहल इज अ टेम्पल पैलेस। इस किताब में उन्होंने कुछ ऐसे तर्क रखे थे जिसके आधार पर वो ताजमहल को एक मंदिर मान रहे थे। मसलन ताजमहल के संगमरमर की जाली में 108 कलश क्यों बने थे, मकबरे में जूते चप्पल उतारने की मान्यता नहीं लेकिन संगमरमर की सीढ़ियों पर क्यों। मेरे पास ऐसे तथ्य हैं जिसके अंदर उन चीजों को उल्लेखित किया गया, फारसी लिपि में उल्लेख किया गया, उनको भी अगर हम लोग देखते हैं तो उसको डिस्कस किया जा सकता है कि मूल लेख है पेश अज एन मज़िल ए राजा है मानसिंह बुद्ध बदारी वक्त बा राजा है जयसिंह नबिर ए ताल्लुक दस्त बारा ए मद अफे ए मान बहिस्त मुतवन बार गुज़े हिंद। इसका जो मतलब है, इसका मतलब है कि राजा मानसिंह के महल को रानी के दफनाने के लिए चुना गया। अब राजा मानसिंह का महल यानी कि पहले से था, उसको दफनाने के लिए, ताजमहल बनाने के लिए उस महल के ऊपर ही मुगल स्ट्रक्चर बनाया गया। तो ये कोई खास बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है। और इतिहासकारों को तो जो जैसा है, यानी कि इतिहासकार पर्यायवाची है सच्चाई का, इतिहास के अंदर जो चीजें दिख रही हैं उसको एज इट इज देश को जानने का अधिकार है कि आज जहां ताजमहल है वहां उससे पूर्व क्या रहा। ₹2000 में पीएन ओक ने ताजमहल की खुदाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पीएन ओक की किताब के जवाब में W.E. बेगले और Z.A. दिसाई की एक किताब आई, ताजमहल द इल्यूमिनेटेड टूम। उस किताब में भी राजा मानसिंह और राजा जयसिंह की बात की गई थी। ये बात भी कही गई है कि जयसिंह से ही शाहजहां ने एक हवेली ली थी, लेकिन ऐसे कोई भी सबूत या प्रमाण नहीं मिले हैं जो साबित करते हो कि कभी भी आगरा में ताजमहल की जगह कोई दूसरी धार्मिक इमारत थी। बहुत सारे जगहों पे जो मुस्लिम स्मारक हैं उनके नीचे मंदिरों के अवशेष हैं, और जैसा कि मैंने खुद अयोध्या का एक्सकवेशन किया था वहां भी मुझे मंदिरों के अवशेष मिले थे। लेकिन ये हमारे पूरे ट्रेडिशन में, लिटरेचर में इसकी चर्चा होती आई है। यहाँ किसी मंदिर के अवशेष होने की कोई चर्चा नहीं है। ये सिर्फ 150 साल के अंदर की बात है जब पीएन ओक साहब ने एक किताब लिखी ताजमहल के ऊपर और वहां उसको कहा कि ये तेजो महल था ओरिजिनली और इसके जो शाहजहां ने मकबरा बनवाया मुमताज महल के लिए उसके नीचे उस मंदिर के अवशेष। हालांकि इसके कोई प्रमाण नहीं है, कोई अवशेष अभी तक प्रकाश में कहीं से नहीं आ सके। वैसे ताजमहल का विवादों से नाता पुराना है। वाह ताज से आह ताज का ये सफर लंबा है। अक्टूबर 2017 में संगीत सोम ने बयान दिया कि ताजमहल गद्दारों ने बनाया है, इसलिए ये इतिहास का हिस्सा नहीं हो सकता। अप्रैल 2015 में 6 वकीलों ने याचिका दायर की कि ताजमहल प्राचीन शिव मंदिर है। 2008 में कला इतिहासकार जाइल्स टिलॉटसन की किताब में दावा किया गया कि अमेरिका के एक फ्रेंच सुनार जो मुगल काल में व्यापार करता था उसने ही ताजमहल डिजाइन किया। 1640 में पुर्तगाल के पादरी फादर सेबेस्टियन मैनरिक ने ही अपने जर्नल में दावा किया कि जब वो आगरा आए तो ताजमहल का निर्माण हो रहा था और उसका आर्किटेक्ट जेरोनिमो बोरोनियो नाम का एक वेनिस का आर्किटेक्ट था। विवादों का ये सिलसिला शाहजहां की मौत के बाद से ही चला आ रहा है। मौजूदा दौर में मोहब्बत की निशानी सियासत की निशानी बन चुकी है।
फैलते हैं तो जंगल की आग की तरह फैलते हैं, जो एक बार बढ़ती है तो बस बढ़ती ही चली जाती है। विवाद की यह आग आगे बढ़ी तो ताजमहल से करीब 200 किलोमीटर दूर दिल्ली में ऐसा ही एक और विवाद छिड़ गया। इस बार कुतुब मीनार सवालों के घेरे में आ गई। हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि कुतुब मीनार मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है, लिहाजा इसका नाम बदलकर विष्णु स्तंभ किया जाए। क्यों उठ रही है मांग कुतुब मीनार का नाम बदलने की? क्यों हो रहा है हनुमान चालीसा का पाठ कुतुब मीनार में? क्यों कुतुब मीनार में लग रहा है जय श्री राम का जयकार? क्या 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बना है कुतुब मीनार? यह कुतुब मीनार है या विष्णु स्तंभ? सच क्या है? क्या है इस विवाद की इनसाइड स्टोरी? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हलाल झटका, हिजाब भगवा, अजान हनुमान, देश के किसी भी हिस्से में कोई भी भाषा हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी लोग हो, मुद्दा है तो बस यही एक मुद्दा शांत नहीं होता कि दूसरा खड़ा हो जाता है। अब कुतुब मीनार को लेकर हंगामा शुरू हुआ है। देखिए, हमारी मांग ये है कि ये जो कुतुब मीनार है उसे विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए। ये सनातनियों की धरोहर है और वो धरोहर हम वापस मांग रहे हैं। कोई नई चीज नहीं है, मुगलों ने जो हमसे छीना था उसे पुनः हम वापस मांग कर रहे हैं। मैं तमाम इस देश के बाहर के जो भी वो हैं, उन सभी इमारतों के साथ जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है, चाहे वो किसी भी शासक द्वारा की गई है, मगर उल्लेख जो है वो सनातनियों का था, सनातनियों का देश है, तो ये समस्त वही होना है। दरअसल ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने कुतुब मीनार परिसर में लगी भगवान गणेश की दो मूर्तियों को वहां से हटाने का फैसला किया। मार्च महीने में ASI को भेजे अपने पत्र में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने कहा था कि मूर्तियों को राष्ट्रीय संग्रहालय में सम्मानजनक स्थान दिया जाना चाहिए। ये बहुत शर्मनाक बात है कि मस्जिद परिसर के अंदर भगवान गणेश जी की मूर्तियां बेहद अपमानजनक स्थिति में रखी हैं। एक मूर्ति ऐसी जगह है जहां लोगों के पैर लगते हैं, वहीं दूसरी जाली में बंद है। उन्हें वहां से हटाकर नेशनल म्यूजियम जैसी दूसरी जगहों पर रखा जा सकता है। जो अंदर विष्णु स्तंभ है उसको विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए, उसके अंदर जो नीचे मूर्तियां दबी हुई हैं उन मूर्तियों को निकाला जाए, जो अंदर खंडित मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को भी विधिवत रूप से हिंदू मूर्तियों को स्थापित किया जाए, जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है साई जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार को बनाया, ये कुतुब मीनार नहीं है, इतिहास में बच्चों को गलत पढ़ाया जा रहा है, ये विक्रमादित्य ने इसका निर्माण किया था, विष्णु स्तंभ के नाम से इसकी घोषणा की जाए। मूर्तियों को हटाए जाने की बात जंगल में आग से भी ज्यादा तेजी से सोशल मीडिया पर फैली। देखते ही देखते बात कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई। कुतुब मीनार परिसर में लगी दो गणेश मूर्तियों को हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए साकेत कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। तीन याचिका इस समय ऑलरेडी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। उन तीन याचिका में दो याचिका मुस्लिम की तरफ से अपना अधिकार मांगा है और एक याचिका हिंदू तरफ से। इस याचिका में मेरी याचिका जो है कॉम्प्रिहेंसिव है, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरा इतिहास है, चित्र है और राइट मांगा गया है। मुस्लिम को यहाँ न घुसने दिया जाए, नमाज न पढ़ने दी जाए, और जो केवल हिंदुओं की है उस बाग देवी की प्रतिमा है वो स्थापित।